तरीके से ये लॉग ये नाला पार करना पड़ रहा है जी। बच्चों का खेलनी है जी। मिशन चिटागटा लेक कंटिन्यू है जी अभी और हमारा इम्तहान भी जारी है। इस वक्त सुबह के जी 5:30 हो रहे हैं और हम लोग चिटागटा बेस कैंप डेक 1 पे निकलने की तैयारी कर रहे हैं ऊपर लेक के लिए। वो फर्स्ट सनरेज आपको नज़र आ रही होंगी, ये मैं भी ना आ रही हूँ और इस तरफ आप देख सकते हैं पहाड़ों पर सूरज की। अभी 6:51 हो रहे हैं, हम लोग डेक 1 से ना स्टार्ट कर रहे हैं आखिरी टफ पार्ट ट्रैक का, तो देखें अब कितना टाइम लगता है। इस टाइम व्यू बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल सुबह सुबह के टाइम का सूरज है और माशाल्लाह बहुत ये सारी पहाड़ की स्लोप पे खूबसूरत फूल खिले हैं और पीछे हरी पर्वत नजर आ रहा है। नाज़रीन हम डेक 2 के करीब पहुँच गए हैं और ये जो आप बड़ा पत्थर देख रहे हैं, इस बड़े पत्थर के पास पत्थर से लेकर ऊपर जहाँ से ये नाला गिर रहा है उस जगह तक टोटल ग्लेशियर होता है। 2015 की बात है। अब आप ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट देखें कि यहाँ से ग्लेशियर का नामो निशान ख़त्म हो गया, थोड़ी सी बर्फ़ पड़ी है वरना ये पूरा ग्लेशियर, मेरे पास इवन तस्वीरें भी पड़ी हैं हमारी 2015 के ट्रिप की, ये नीचे से बिल्कुल ऊपर तक टोटल ग्लेशियर था, टोटल ग्लेशियर हमें क्रॉस करना पड़ता था। लेकिन आप देखें आप यहाँ पे नामो निशान नहीं है ग्लेशियर का, ये ग्लोबल वार्मिंग बहुत सीरियस इशू है पाकिस्तान के लिए और पूरी दुनिया के लिए। इसको टैकल करने के लिए सबको कोशिश करनी पड़ेगी, जंग लड़नी पड़ेगी जब जाके ये इशू टैकल हो सकता है। ये देखें सारा 2015 में ये सारा ग्लेशियर होता था, हमने ग्लेशियर के ऊपर से क्रॉस किए थे, सारे कोई पत्थर नहीं नज़र आता था। ये व्यूअर्स हमारा इधर पहले डेक 2 होता था और कैंप वगैरह लगे होते थे, तो हम समझ में डेक 2 पे पहुंच गए आखिरी लेग में। पूरी यहाँ से लेकर ये पूरा पहाड़ चढ़ना है, उसके ऊपरली तरफ चिटागटा लेक है। यहाँ आके थोड़ा सा वैली मज़ीद खुल जाती है, पहाड़ थोड़े थोड़े दूर दूर हो गए और नज़ारा बहुत खूबसूरत है। ये व्यूअर्स डेक 2 से आगे आके नाला क्रॉस करना पड़ता है, नाले के लिए पुल टूट गया है तो अब ये दस्ती लोकल हिसाब कर रहे हैं और यहाँ पे आर्जी तौर पे गुजारने के लिए ये बना रहे हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, ये लॉग लगा रहे हैं और नीचे पत्थर रखे हैं इन्होंने ताकि ये आर्जी हिसाब बन के और यहाँ से जी सारे जो टूरिस्ट आए हैं उनको ये क्रॉस करवा सकें। ख़तरनाक तरीके से ये लॉग ये नाला पार करना पड़ रहा है जी और ये पार्ट ऑफ द एडवेंचर, ये सही एडवेंचर है जी। व्यूअर्स ये लास्ट लेग जो है स्टीप जो सबसे ज़्यादा है वो ये वाटरफॉल के साथ से हमें जाना है ऊपर, तो हम इसके करीब से करीब आ रहे हैं। खूबसूरत यहाँ पे नज़ारा है, ये 2-3 तरफ से वाटरफॉल इधर गिर रही है, इधर वाटरफॉल गिर रही है 2 तरफ से, पीछे वाटरफॉल है एक। तो ये जो माउंटेन है ये हिंदुज़म और बुद्धिज़म में सेक्रेड इसीलिए माना जाता है, जिधर भी आपको सब कॉन्टिनेंट में वाटरफॉल्स और पहाड़ मिलेंगे उधर लाजमी आपको
हिंदू और बुद्ध बख्शु वो जाके पुराने वक्तों में उनका रिकॉर्ड मिलेगा थे, वो जाके उधर तपस्या करते थे। खूबसूरत मंजर है पीछे और ये नीचे से बहुत ऊपर की आ चुके हैं, लेकिन अभी भी सबसे मुश्किल जो लास्ट लग है वो भी स्टार्ट नहीं हुआ इस ट्रैक का। इधर का व्यू बहुत ही खूबसूरत है, ये वाटरफॉल इधर वाटरफॉल तो वाटरफॉल्स हर तरफ हैं, हरी पर्वत नज़र आ रहा है। हम इंशाल्लाह ऊपर से ऊपर जा रहे हैं। ताज़ा बर्फ़ इधर गिरी है, इसकी वजह से ये बहुत ही कच्ची और ताज़ा बर्फ़ है, हाँ चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बच्चों का खेल नहीं है जी, बहुत टफ काम है। ये व्यूअर्स हम आखिरी जो आपको बता रहे थे लास्ट लेग की जो टफेस्ट है वो स्टार्ट हो गई है। यह हरी पर वाटरफॉल देख रहे हैं, इसके साथ ही नाला आ रहा है। हमने इस नाले के साथ 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 वो टॉप तक जाना है, टॉप के परली तरफ झील है, फिर एक जी ग्लेशियर आ गया, ये फिर हम पार कर रहे हैं। यहाँ से टोटल स्टीप नीचे 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 वो नीचे जहाँ से शुरू किया डक से वहाँ तक जा रहे हैं। यहाँ का बहुत खूबसूरत है, ट्रैक काफ़ी मुश्किल है। आखिरी जो सबसे ज़्यादा स्टीप है ऑलमोस्ट 70-75 डिग्री स्टीप है, इस स्टीप पर हमने स्टार्ट कर दिया काम भी, साथ ही हरी पर्वत वाटरफॉल है बहुत खूबसूरत। हरी पर्वत वाटरफॉल का नज़ारा एक्सक्लूसिव व्यू, बहुत खूबसूरत व्यू है। और हम नीचे से चढ़ के आ रहे हैं, आप देख सकते हैं ये फाइनल स्टीप जो है, ये जिधर इधर बंदे थोड़ी सी खुली जगह बंदे खड़े हैं वहाँ से चढ़ना स्टार्ट किए और हम ऑलमोस्ट 30% हिस्सा कर रहे हैं, 70% अभी जाती है। नज़ारा बहुत खूबसूरत है, ठीक है इस तरह ऊपर जाना है, इस बिल्कुल सीधे खड़े पहाड़ पे ऊपर वो बंद जा रहा है, इधर तक जाना है, इसको फिर पहाड़ क्रॉस करना पड़ी तो फिर इंशाल्लाह लेक का पहला व्यू आएगा। अकॉर्डिंग टू जी आवर गाइड के अब यहाँ से हमने मुड़ना है पीछे की तरफ, वो उधर गाइड खड़ा है और वहाँ से फिर घूम के आगे जाना है, तो वो कह रहा है जी अब इतनी चढ़ाइयाँ ज़्यादातर आप चढ़ाएँ ज़्यादा नहीं बचें, अल्लाह करे ऐसी बात है, बहुत हाइट पे आ गई ये पहाड़ की बर्फ़ वहाँ से लेकर वहाँ तक पूरी विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन हमें नज़र आ रही है। चलो देखेंगे कितना टाइम मजीद लगता है। ये एक छोटी सी गार है, गार टाइप बनी हुई है, पहाड़ बाहर निकला है, पत्थर के नीचे से गुजर रहे हैं, नज़ारा बहुत खूबसूरत है। नाज़रीन आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ की हम इतनी हाइट पे आ गए, आपको बताता हूँ केल जो है सिटी वो ऑलमोस्ट है 7500 फीट अबव सी लेवल। केल से हम जो कल बेस कैंप आए हैं हॉर्स बेस कैंप वो था 9500 फीट अबव सी लेवल। अच्छा बेस कैंप से हम डेक वन पे आए हैं, डेक वन था 10000 और ऑलमोस्ट 900 फीट, और अब जो हम लेक करीब पहुँच चुके हैं
अब जो हाइट है वो आपको मैं चेक करवाता हूँ, ये आप ज़रा चेक कीजिए, ये हाइट चेक करेंगे 12,999 फीट अबव सी लेवल इस टाइम हम खड़े हैं। और अभी लेक जो है वो 13,000 फीट प्लस है, तो अभी हमने इतना मज़ीद कुछ 100 फीट मज़ीद ऊपर चढ़ाई करनी है, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कितनी हमने हाइट करी, कितनी हाइट कवर की। ग्लेशियर हम क्रॉस कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। ये देखें जी पूरा बड़ा सारा ग्लेशियर, तो ये लास्ट वीक सारी बर्फ़ पड़ी है जो है इसम भाई की, माशाल्लाह आ गए। चिट्टा कट्टा लेक हमारे साथ शुगर मिल लगा रही है, ना ऊपर चढ़ के हमें लगा इस रिज के पार लेक होगी, लेकिन रिज पार किया तो एक और रिज आ गई, और पीछे एक और चढ़ाई वहाँ तक जाना है, उसके बाद लेक है। चलें जी इस तरह तो होता है, मज़ीद आगे जाना है। पहले केल हमसे नाराज़ था और केल नहीं आगे दे रहा था, कभी लैंडस्लाइड कभी कुछ कभी कुछ, और अब चिट्टा कट्टा लेक हमारा इम्तहान ले रही है सफ़र का। जब हम कोई पहाड़ चढ़ के आते हैं आगे फिर मज़ीद होता है। अब आगे तो टोटल ग्लेशियर है, आगे तो टोटल ऐसे लग रहा है कि हम पता नहीं शंटर पास पे आए हैं, इतनी बर्फ़ है ये देखिए, टोटल बर्फ़, टोटल ग्लेशियर। मिशन चिट्टा कट्टा लेक कंटिन्यू है जी अभी, और हमारा इम्तहान भी जारी है, और दुआ करते हैं सामने जो टॉप है उसके बाद हमें लेक आखिरकार अपनी दीदार करवा ही दे। ये ग्लेशियर क्रॉस करना जी इम्तहान बना हुआ है, जैसे ही हम पीक के करीब पहुंचते हैं आगे मज़ीद बर्फ़ की चादर नजर आती है, चेक करें टोटल नीचे ऐसे हमारे, चलो ऊपर बर्फ़ नहीं होगी, नीचे यहाँ से बर्फ़ पहले शुरू हुई है, फिर ऊपर आए हैं, फिर उन्होंने कहा चले हम झील आ जाएगी, फिर ऊपर आए हैं, फिर उन्होंने कहा झील आ जाएगी, अब मज़ीद वो आपको बंदा नजर अगर आ रहे हैं वो उधर वहाँ तक बर्फ़ है, टोटल बर्फ़, देखें कितना इम्तहान बाकी है। लेट्स सी इससे ऊंचा भी कुछ है या नहीं, कितना इम्तहान लेता है हमारा, उस पहाड़ के एंड तक आने वाले हैं। देखें जी चिट्टा कट्टा ने अपना दीदार करवाया है, या बीच के इम्तहान और भी हैं। अब आखिरकार ये जी आपके सामने है जी, ओह ओह आखिरकार चिट्टा कट्टा ले गए अपना दीदार करवाया है, और जी ये चेक करेंगे लेक का पहला व्यू, ट्रैक बहुत टफ है, झील बहुत खूबसूरत है, सुबहान अल्लाह। नाज़रीन इधर तकरीबन एक घंटा हमने रेस्ट किया है, और लेक का खूबसूरत तरीन मंजर आपके लिए कैप्चर किया है, और अपनी आँखों में महफूज किया है, अपने दिमाग में महफूज किया है, और इंशाल्लाह वापसी के लिए हमारा सफ़र शुरू है। ये उतराई हमने शुरू कर दी है, इस तरह ग्लेशियर पे उतरना बड़ा मुश्किल काम है, इसकी वजह यह है कि सूरज काफ़ी देर से सूरज की रेज पे पड़ रही है, जिसकी वजह से यह थोड़ी सी बर्फ़ ढीली हो गई है, और पाँव बहुत स्लिप कर रहा है, अभी पानी पानी सा कीचड़ सा बन गया है,
देख सकते हैं आप टोटल टोटल बर्फ है ऊपर पहाड़ पे और इधर इतनी हम हाइट पे आ गए जा रहे हैं जी। नीचे उतरना भी उतना मुश्किल काम है बल्कि ज़्यादा ख़तरनाक और डरावना खौफनाक काम है। ये देखें जी लोकल तो जा रहा है स्कीइंग करता हुआ लेकिन हमारे बस की बात नहीं है। लेट्स सी चढ़ते हुए इस रूट से नहीं आए। ये जो है ना इस ग्लेशियर की स्लोप बहुत ज़्यादा बिल्कुल टोटल एक्सट्रीम स्लोप है। यहाँ पर बहुत मुश्किल हो रही है उतरते हुए। बड़ा मुश्किल काम है अल्लाह ख्याल से मुझे ऐसे ट्रैक पर आने के लिए आपके पास प्रॉपर हाइकिंग का सामान होना चाहिए। हाइकिंग स्टिक लाजमी होनी चाहिए और सबसे ज़रूरी जो है वो हाइकिंग शूज़ हैं। अब ये हमजा भाई जूते पहन के आए हैं ये जूते हाइकिंग शूज़ नहीं हैं वो जूते हैं नॉर्मल फैशन वाले डेली शहर में इस्तेमाल करने वाले उन वाले जूतों से जब हाइकिंग करेंगे तो कुछ भी नहीं वहाँ से साफ बनता। ये बार बार कीचड़ में स्लिप हो रहे हैं बर्फ़ पे स्लिप हो रहे हैं तो आपके लिए ये एक सबक होना चाहिए। ये हाइकिंग करते हुए आप बेशक यूज़ ले लें लंडा बाजार से ले लें लेकिन जूते हाइकिंग वाले होने चाहिए जिनकी ग्रिप अच्छी हो मम्मी डैडी जूते ना हो। ये जी हम तकरीबन 1.25 घंटे में 50% कर रहे हैं वो उधर से उतर के आ रहे हैं लगातार नीचे नीचे अभी हमने मज़ीद जाना है उधर वो उसके पीछे डक टू है उधर जाना है। दो लॉग रखे हैं लेकिन पानी का पैसे इतना हो गया कि इनके ऊपर पानी आ रहा है। चिट्टा कट्टा तुझे हम कभी नहीं भूलेंगे उन्हें बहुत हमें परेशान किया। वेलकम बैक। आखिरकार तकरीबन 2:25 में हम इधर पहुंच गए हैं सामने हमारे कैंप से। यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करके इंशाल्लाह हम फिर आगे नीचे जाएंगे वो सामने अगर आपको रोड नज़र आ रहा है उस रोड पर आगे जाके हमारा कैंप वो टेंट के लिए जहीर भाई को इधर मोटर बाइक पर ही तो उधर जाएंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर रेस्ट करके। ये जी हमारा वापसी का सफ़र डेक वन से स्टार्ट है। वो इस जगह पे दरिया का ब्रिज है शंकर नाले का ये ब्रिज हमने क्रॉस करके फिर लगातार स्टीप चढ़ाई चढ़नी है मेन रोड तक फिर मेन रोड से हम पैदल जाएंगे वो हमारे कैंप पर। एट लास्ट ना थी 2 घंटे और 10 मिनट में हम डक वन से ऊपर से चले हैं और जहीर भाई के कैंप में पहुंच गए हैं। 6:50 हो गए जी और हम निकल रहे हैं और कैंप से खेल में जाके मुलाकात होगी। 1 घंटे और 36 मिनट में हम अल्लाह का शुक्र है हॉल कैंप से हम केल पहुँच जाए।